शांति 16 नवंबर 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे साय 4 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिससे आप सवेरे शाम को रोजाना जुड़ सकते हैं। एक ही लिंक है, और यदि आप किसी कारण से लिंक से नहीं जुड़ पा रहे हैं या लिंक आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं, और यदि कोई प्रश्न है तो वो भी पूछ सकते हैं। और आपके पास कोई सुझाव है जिससे सबका हित हो सकता है तो वो भी आप अवश्य भेज सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें रूहानी हुनर सिखलाने। बाप आए हैं तुम्हें रूहानी हुनर सिखाने, जिस हुनर से तुम सूर्य चांद से भी पार शांति धाम में जाते हो। बाबा, हम आत्माओं को ऐसा हुनर सिखाते हैं जो हम सूर्य चांद से भी पार शांति धाम में चले जाते हैं। क्योंकि भक्ति मार्ग में हमारी बुद्धि में था कि परम धाम सूरज चांद सितारों से भी पार है। मुस्लिम भाई भी चंद्रमा को अपना पवित्र समझते थे। चंद्रमा के आधार पर अपना जो भारत का कैलेंडर है वो भी चंद्रमा के आधार पर चलता है, और जो मुस्लिम्स हैं उनका भी कैलेंडर चंद्रमा के हिसाब से चलता है, और क्रिश्चियंस का कैलेंडर सूर्य के हिसाब से चलता है। वो सूर्य से गणना करते हैं और ये चांद से करते हैं। और अभी जब चांद पर हमारे भारत का जब चंद्रयान पहुंचा, तो उसके बाद उनको बहुत गलानी हुई कि ये तो हमारे पवित्र स्थान पर भारत ने कब्जा कर लिया, भारत वहां पहुंच गया, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। तो क्योंकि वो समझते हैं कि चंद्रमा हमारा पवित्र स्थान है, वहां से सारी धरती का कंट्रोल होता है, सारा कंट्रोल होता है, तो उनको लगा कि ये अपने धर्म पर भी, हालांकि वो कट्टर है, वो हटते नहीं है, परंतु क्या होता है कि उनकी आस्था पर ये चोट लगी है। क्योंकि हमारी धारणा है कि सूरज चांद, हमारे जैसे सूरज भी और चांद को भी, हम भी भारत में जो हिंदू धर्म के या सनातन धर्म के मानने वाले हैं, वो भी सूर्य और चांद को अपना देवता समझते हैं, और वो भी उसी प्रकार से समझते हैं, वो चांद को समझते हैं सिर्फ। तो कहने का मतलब हमारा ये है, इसलिए उनके झंडे में चांद जरूर होता है। तो हमारी समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में ये भक्ति मार्ग के हिसाब से भाई बहनों को समझाने के लिए, क्योंकि उससे भी पार है हमारा परम धाम। इसलिए जो हमारा तीन लोक वाला चित्र बना है, उसके अंदर भी दिखाया है कि सूरज चांद सितारों से पार सूक्ष्म वतन है, और उससे पार फिर परम धाम। तो उसी भावना को यहां पर भी बाबा दिखा रहे हैं। प्रश्न, साइंस घमंड और साइलेंस घमंड में कौन सा अंतर है? दो घमंड है, दो अभिमान है। एक तो हमारे इस धरती पर रहने वाले, अभी हम दो हिस्सों में बाबा ने बांटा है, एक तो वो लोग हैं जिनको शांति का अभिमान है, एक वो लोग हैं जिनको विज्ञान का अभिमान है। वो हर बात को विज्ञान के तर्क से देखना चाहते हैं, और एक बाबा हमें सबको साइलेंस की शक्ति समझा रहे हैं। इन दोनों में कौन सा अंतर है? साइंस घमंडी चांद सितारों पर जाने के लिए कितना खर्चा करते हैं?
आप समझ सकते कितना खर्चा होता होगा। भारत ही एक पहला देश है जो चांद पर पहुंचा। अमेरिका तो चांद पर पहुंचा ही नहीं, वो तो फैक्ट न्यूज है, झूठी न्यूज है उनकी। और उन्होंने उसको मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा। बाकी हमें समझना है कि भारत पहुंचा है परंतु कितना खर्चा हुआ। चाइना ने भी जाने का प्रयास किया है और भी देश जाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब ये सफल लैंडिंग फर्स्ट भारत की ही हुई है, अभी तक वहां पर कोई उतरा नहीं है। परंतु कितना खर्चा हुआ, बाबा ये कह रहे हैं, शरीर का जोखिम उठाकर जाते हैं, क्योंकि अभी तक कोई मनुष्य नहीं गया, चंद्रयान में भी कोई मनुष्य नहीं भेजा, तो अमेरिका ने मनुष्य कैसे भेज दिया था, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां से उसको वापस लेके आना इम्पॉसिबल, वो संभव ही नहीं था। और वो गए भी और आ गए, एक बार गए उसके बाद कभी नहीं जा सके। यदि वो एक बार जा चुके होते तो बार बार जाते, दोबारा भी जाते, जोखिम उठाकर जाते हैं। उन्हें ये डर रहता है कि रॉकेट कहां फेल ना हो जाए। हम जो भी स्पेस में जाते हैं, स्पेस में अभी तक गए हैं, बहुत लोग गए हैं, स्पेस में काफी टाइम तक रह करके भी आए हैं, परंतु किसी ग्रह पर जाकर वहां से वापस अभी तक ना कोई गया है और ना कोई वापस अभी तक आया। गया ही नहीं तो आने का बात ही नहीं होती। उन्हें यह डर रहता है कि रॉकेट कहां फेल ना हो जाए। तुम बच्चे साइलेंस घमंड वाले, बिगर कोड़ी खर्चा, सूर्य चांद से भी पार मूल वतन में चले जाते हो। तुम्हें कोई डर नहीं क्योंकि तुम शरीर को यहां ही छोड़कर जाते हो। क्या लाइन समझ में आई आपको? बहुत गुहे बात हमें बाबा समझा रहे हैं। तुम परम धाम जाते हो, तुम्हें कोई डर नहीं, क्यों? क्योंकि तुम शरीर को यहां ही छोड़कर जाते हो। ये किसको शिक्षा दे रहे हैं, किसको समझा रहे हैं? बच्चों को भाई जी। कौन से बच्चों को? जो संपूर्ण पवित्रता को प्राप्त करेंगे और शरीर को छोड़कर जाएंगे, उन्हें पता है कि हमारा नीचे शरीर सुरक्षित है और हम वापस आकर अपने शरीर को पहन लेंगे। बाकियों को तो ये बात समझ में नहीं आएगी, बाकी तो भयभीत रहेंगे। जिनको ये समझ में आ गया कि हम ये शरीर छोड़ेंगे, हमें दूसरा मां के पास गर्भ पहले से तैयार मिलेगा, उसे शरीर छोड़ने में कोई तकलीफ होगी? नहीं होगी, नहीं, क्योंकि उसे मालूम है कि इधर से मैं शरीर छोड़ूंगा उधर मेरे लिए गर्भ तैयार है। मैं एक सेकंड फालतू इस शरीर में नहीं रह सकता हूं और वहां पहुंचने में मैं एक सेकंड लेट नहीं हो सकता हूं। ड्रामा इतना एक्यूरेट है, फिर क्या फर्क पड़ता है? जितना टाइम मुझे इन लोगों के साथ है, मैंने इन लोगों के साथ रहना है, अगले पल मुझे दूसरे परिवार में जाना है। हम सारा दिन जाते नहीं है, सवेरे हम ऑफिस में जाते हैं, शाम को कहां जाते हैं, दोपहर को कहां जाते हैं, जहां जहां हमारा रोल होता है वहां हम सारा दिन जाते रहते हैं ना। कहां हमें सुख मिलता है, कहां हमें दुख मिलता है, कहां हमें जो मिलता है, हम अपना रोल हर जगह प्ले कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम आत्माएं एकदम भय मुक्त हो जाती हैं कि कोई भय नहीं है। जब हमें सारा दिन कहां कहां जाने में कोई भय नहीं लगता, अब लड़की है घर छोड़ करके दूसरे परिवार में जाती है, भय तो होता है, चिंता तो होती है, सोच तो होती है कि पता नहीं वो कैसा मिलेगा, सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, और वहां जाकर के भी पता नहीं क्या होता है, फिर भी उसके बाद भी छोड़ती है ना। वो लड़के तो चलो नहीं छोड़ते हैं, पर तो लड़की तो छोड़ती है ना, उसे पता है छोड़ना तो पड़ेगा, मेरा भाग्य है कि मुझे सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। पर तो अब हमें तो बाबा ने वंडरफुल राज समझा दिया, मिलेगा क्या, क्या मिलेगा, जहां भी जाएंगे हमें क्या मिलेगा, जो हमने दिया हुआ है।
दिया हुआ है वही मिलेगा, वही मिलेगा, जितना दिया हुआ है उतना मिलेगा। अब हमारे सामने तो निश्चिंत है ना, अब हमें इस बात की कोई चिंता नहीं, पता नहीं क्या मिलेगा, वही मिलेगा, पता है हमें, हमें पता है वही मिलेगा, उतना मिलेगा, और वो लेना ही लेना है, फिर भय किस बात का। हमने ये शरीर छोड़कर हमने वहां जन्म लेना है जहां मेरा बाकी कार्मिक अकाउंट है। सारा दिन हम जहां भी जाते हैं हमें क्या मिलता है, जो हमने दिया हुआ है। जहां जाते हैं वहां हमें सुख दिया हुआ है तो वो मिलते हैं, हमें सुख देते हैं। जहां हमने कोई तिरस्कार किसी का किया हुआ है, बेइज्जती किया हुआ है, वो हमें मिलता है, वो हमारी बेइज्जती करता है, हमें दुख देता है, हम चाहें या ना चाहें। आज भी हमारे साथ वही है और कल भी वही है, हमेशा वही है। और हमें ड्रामा एकदम क्लियर कर दिया है बाबा ने कि हमने वो पाना है जो हमने दिया हुआ है। तो हम क्यों भय से मुक्त हो गए कि नहीं हो गए? भय हमें किसी प्रकार का कभी भी नहीं लग सकता, क्योंकि ये बातें जितना जितना हम बुद्धि को समझाते जाएंगे हम भय मुक्त होते जाएंगे। आज ये भी हमें समझा दिया कि हम अपने शरीर को यहां पर छोड़कर जाएंगे और वापस अपने शरीर में आकर पहन लेंगे। शरीर छोड़ने का हमें भय क्यों? जैसे अभी बहन सुना रहे थे, कल परसों कल सुना रहे थे ना कि भी है ना, अपना चंद्रमणि दादी ने कहा कि जैसे तुम वतन में जाती हो तो आज मैं भी वतन में आ गई हूं, ठीक है कि नहीं? परंतु उसका जाना और गुलजार दादी का जाना अंतर है ना। तो कहने का मतलब, गुलजार दादी शरीर को छोड़कर जाती, संदेश लेकर आती, तो उसे भय हो कि मेरे पीछे शरीर जो है ना दुखी हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, मैं क्या करूंगी। तो ब्रह्मा बाबा को भी यही हुआ, जैसे गुलजार दादी जाती है ऐसे मैं भी जा रहा हूं। परंतु ये नहीं पता था कि मुझे वापिस बाबा आने नहीं देगा। मतलब ये बातें भय मुक्त, देखिए कि गुलजार दादी छोटी बच्ची, 8 साल की बच्ची, 8 साल या 9 साल की समझो, कि संदेश लेने के लिए जाना आना शुरू हो। पहला जो वतन में जाने का पाठ था वो 8-9 साल की, जब वो आई थी अपनी मां के साथ तभी पहली बार गई थी, पहले ही दिन ध्यान में चली गई। अब उसका पाठ था, अब किसको क्या मालूम था आगे क्या चलेगा। तो कहने का भाव ये है कि हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, आज बाबा हमें हर प्रकार के भय से मुक्त होने के लिए, उन आत्माओं को भी जो यहां पर अपने शरीर को सुरक्षित रख के जाएंगे और वहां जाएंगे और वापस आकर शरीर को पहन लेंगे। भल बाबा भक्ति और ज्ञान दोनों को मिक्स करके समझा रहे हैं, हमने दोनों को बहुत अच्छी तरह अलग अलग समझ लेना है, क्योंकि हम सब आत्माओं को केवल परम अवस्था में जाना है। परम धाम कोई ऐसी जगह है नहीं, वो भी हमने अपनी बुद्धि में रखना है। परंतु यहां बाबा ने कहा है कि हम सूरज चांद सितारों से पार परम धाम जाते हैं, क्योंकि परम अवस्था इन दुनिया की चीजों से अलग है। वो एक हमारी अवस्था है, वो इतनी ऊंची अवस्था है कि हमें कोई भी उस अवस्था में प्रभावित नहीं कर सकता। तो भय मुक्त भी किया और हमें परम अवस्था का भी अनुभव है। हम समझ रहे हैं कि परम अवस्था में हम जाएंगे और वापस अपने शरीर को पहन लेंगे। अब परम अवस्था में भी जाना हमारा निश्चित है, क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट है, उसमें भी हम आगे पीछे नहीं हो सकते, उसमें भी किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हो सकती, गलती कहीं आई ही नहीं ड्रामा में। ये बात हम अपने आप में समझ कर चलेंगे तो नेचुरल बात है कि हमें कभी भी किसी भी बात का भय नहीं लगेगा, और भय नहीं लगेगा तो हमें क्रोध भी नहीं आ सकता। क्रोध किसी को भी आता है तो भय के कारण आता है, कोई ना कोई भय होता है। लोभ किस कारण आता है तो कोई ना कोई भय होता है। मोह भी किस लिए होता है कि भय होता है। मोह भी दुख देने वाला तभी बनता है जब भय होता है, हाय मेरे बेटे को कुछ ना हो जाए, भय है, भय नहीं कुछ नहीं हो सकता। उसने अपना एक्यूरेट पार्ट बजाना है, वो मेरी तरह एक्यूरेट एक्टर है, उसके अंदर कोई गलती नहीं हो सकती, तो उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं हो सकता।
हाँ सहयोग देना है, सेवा देनी है, सब कुछ करना है, पर तो होना वही है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं हो सकती। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, बच्चे सुनते तो रहते हैं कि साइंस दान चांद पर जाने का प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन वो लोग तो सिर्फ चांद तक जाने की कोशिश करते हैं। कितना खर्चा करते हैं, बहुत डर रहता है ऊपर जाने में। अब तुम अपने ऊपर विचार करो, तुम कहां के रहने वाले हो? वो तो चंद्रमा की तरफ जाते हैं और तुम तो सूरज चांद से भी पार, सितारों से भी पार, एकदम मूल वतन में जाते हो। वो लोग तो ऊपर जाते हैं तो उनको बहुत पैसे मिलते हैं, ऊपर में चक्कर लगाकर आते हैं। ये ऊपर में चक्कर लगाकर आने वाला राइट है, क्योंकि जो भी गए घूम करके दो दिन चार दिन महीना छह महीना, मतलब जितना समय का वो राशन लेकर के गए, जितने समय का प्लानिंग करके गए, उतने समय के बाद वो घूम करके वापस नीचे आ गए। अब उतने समय का अपने साथ तेल भी लेकर के गए, क्योंकि वापस आने के लिए भी तेल चाहिए। उसी प्लानिंग के हिसाब से उन्होंने अपना बनाया। शरीर का जोखिम रिस्क उठाकर जाते हैं, वो है साइंस घमंडी। तुम्हारे पास है साइलेंस का घमंड, और कितने मर गए क्योंकि नहीं आ सके, तो मर गए तो मर गए। अब हमारे हिसाब से तो कोई मौत है ही नहीं, उनको बेचारों को तो नहीं मालूम ना, तो वो तो गए और मर गए। कोई बच के आ गए, कोई जीवित वापिस आ पाए, कोई जीवित नहीं भी आ पाए। तुम्हारे पास है साइलेंस का घमंड, शांति का घमंड, उनके पास है साइंस का घमंड और तुम्हारे पास है साइलेंस का घमंड। तुम जानते हो साइलेंस और साइंस में क्या अंतर देख रहे हैं? साइंस और साइलेंस में क्या अंतर देख रहे हैं? सिर्फ एक एल का फर्क है, एल फॉर लाइट, एल फॉर लाइट। समझ में आया? हमारे आइंस्टाइन जो थे, जो सबसे अच्छे बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने लिखा कि विज्ञान अंधा है और ये धर्म जो है, अध्यात्म जो है, नहीं, विज्ञान लंगड़ा है, धर्म जो है वो अंधा है। ये उनके शब्द है कि विज्ञान अध्यात्म जो है वो अंधा है और विज्ञान लंगड़ा है, और यदि ये दोनों मिल जाएं तो काम हो सकता है। उसने एक चित्र बनवाया था कि अंधा अध्यात्म जो है ना, अध्यात्म और विज्ञान, मतलब विज्ञान जो है वो लंगड़ा है और धर्म जो है वो अंधा है, और यदि ये दोनों मिल जाते हैं तो जो है ना काम हो सकता है। तो उसने एक अंधा व्यक्ति बनाया धर्म को, और विज्ञान लंगड़ा है, उसको उठा ले उनकी आंखों से, विज्ञान की आंखों से देखना शुरू करे तो वो सफल हो सकते हैं। मतलब ये उसने एक दूसरे का बताया कि अधूरे हैं क्योंकि आंखें नहीं है। तो इस प्रकार से जो है ना सारा अधर्म अंधा क्यों हो गया, क्यों उसने देखा? क्योंकि जिसको वो समझते हैं उसकी तर्क को नहीं करते, उसमें बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, उसको देखते नहीं कि क्या कर रहे हैं। बस वो कर रहा है तो मैं कर रहा हूं, वो नमाज पढ़ रहा है तो मैं भी नमाज पढ़ रहा हूँ, वो आरती कर रहा है तो मैं भी आरती कर रहा हूँ, वो जागरण करवा रहा है तो मैं भी जागरण कर, वो तीर्थ यात्रा पर जा रहा है तो मैं भी तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। तो ये होता है अंधविश्वास। मतलब ये आइंस्टाइन का था कि अंध यदि उसको सच्चाई समझ में आ जाए, सत्य को साथ ले ले तो, और सत्य जो है परमात्मा, कहते मैं ही हूं, मेरे को साथ लोगे तो आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि लाइट नहीं है इसलिए धर्म जो है अंधा है, और साइंस के जितने भी साधन हैं उनको लाइट की जरूरत है, बिना लाइट के एनर्जी के वो काम नहीं कर सकते। और तुम आत्माएं वो एनर्जी हो, वो शक्ति हो जो उस सच्चाई को कर सकते हो।
तो क्योंकि लाइट तो हमारे आत्मा तो खुद ही लाइट है ना, सेल्फ लाइट है ना, तो अब आप साइलेंस से साइंस पर विजय प्राप्त कर सकते। हमारे पास लाइट कहां से आती है? हमारी लाइट जो है ना कहां चली गई है? हम अंधे क्यों हो गए? क्योंकि हमारे जीवन से, हमारे जीवन से सत्य का अभाव हो गया, हमारे जीवन से पवित्रता का अभाव हो गया, ज्ञान का अभाव हो गया, जिसके कारण हमारी लाइट क्या हो गई? कम हो गई। हमारी लाइट कम होने से, लाइट का अभाव होने से क्या हुआ? प्रकाश का अभाव होने से अंधेरा आ गया, हम भटकते रहे, हम अंधे हो गए, हमें कहना पड़ा अंधे की औलाद अंधे। अब बाबा आकर कहते, बच्चे अपनी लाइट को मेरे द्वारा, मेरे बताए हुए रास्ते पर पुनः प्राप्त करो और फिर आप क्या हो सकते हैं? सफल हो सकते हैं। भाई जी, हाँ जी, शरीर के साथ जाएंगे तो शरीर में फिर शरीर के साथ वापस आएंगे तो अनुभव सुनाएंगे, जब शरीर छोड़कर जाएंगे तो फिर सुनाने को उनके पास तो सुना नहीं सकेंगे ना बाद में। क्या सुनाना था? अनुभव ऐसा है ना भाई जी, बात बात ड्रामा की, ड्रामा की इस बात को हम काट नहीं सकते कि हम यदि शरीर छोड़ के जैसे जाते हैं वापिस आए और हमें सारा याद रहे तो हम ना इधर जी सकेंगे ना उधर जी सकेंगे। शरीर ने कोई याद नहीं रखना, याद तो आत्मा के अंदर है, स्मृति तो आत्मा के अंदर है, शरीर में कोई स्मृति नहीं है, शरीर मात्र एक इंस्ट्रूमेंट है। अब मैं यदि मतलब पवित्र आत्मा हूं तो मैं इस शरीर को पवित्रता से प्रयोग करूंगा, और मैं पतित आत्मा हूं तो मैं शरीर का पतित रूप से प्रयोग करूंगा। मैं वो नहीं बात कर रहा, जब चांद पे जाते हैं ना लोग, तो चांद पे जाते थे इसी शरीर से जाते हैं, वहां से आते तो इसी। चांद पर आज तक कोई गया नहीं? संभव ही नहीं जाना। आज तक, अभी तक, बेशक अमेरिका ने कहा है कि उस समय वो चांद पे चले गए थे, परंतु उन वीडियोस का पोस्टमार्टम किया गया और पोस्टमार्टम मैंने उनका देखा, क्योंकि वहां पर मतलब झंडे को एकदम सीधा दिखाया है, सीढ़ियों से उतरता हुआ दिखाया है। हमारा जो पहला चंद्रयान था वो क्यों जो है ना गुम हो गया था? क्योंकि वो टकराते ही टूट गया। इसलिए इन्होंने अब जो चंद्रयान बनाया बहुत सॉफ्ट लैंडिंग वाला बनाया। उस सॉफ्ट लैंडिंग कैसे थी कि उसको बहुत धीरे धीरे उतारना है, बहुत धीरे धीरे, मतलब वो उन्होंने एकदम उतार दिया, उतारते ही वो घूमते हुए टकरा गया और टकराते ही वो टूट गया, बस खत्म काम। अब इस बार इन्होंने बहुत धीरे धीरे सॉफ्ट लैंडिंग किया और उसमें जो भी साधन अपनाया होगा कि उसकी स्पीड को इतना कम रखा नीचे जाते 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 कि वो बिल्कुल एकदम धीरे धीरे जाए। तेजी से जाएगा तो टकराएगा तो टूटेगा ही टूटेगा ना, ये बात इनको समझ में आ गई कि वो गया कहीं नहीं, वो टूटा है बस। तो वो टूटा क्यों है कि सॉफ्ट लैंडिंग, हर एक बात अनुभव से सीखी जाती है। और इन्होंने अब उस रोरो उसको जो वहां पर गया, उनको पता था कि ये वापस नहीं आ सकता, वापस आ सकता है यदि बैटरी फुल रहती, बैटरी काम करती रहती तो वो वापस भी आ सकता था। परंतु अब वो अपना जो है ना नया सीख करके उसके अंदर जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे ताकि वो वापस आ सके। वो जब तक गलती नहीं होगी तो सच के बारे में पता नहीं लगेगा। तो मतलब हमें मेन समझना है, जितने भी साइंस गए वो अपना अनुभव वो सुना सके जितना। अब ये जितने भी वहां गए हैं उसने सारी पिक्चर्स भेजी, जो भी रिपोर्ट्स भेजी, वो सारी रिपोर्ट्स देखी जा रही हैं, उनको एनालाइज किया जा रहा है। इसी प्रकार से जो लोग गए आकाश के अंदर, स्पेस के अंदर, वो भी घूम फिर करके वापस आए, जो कुछ भी पता करना था वो करके आए, परंतु वो अपने साथ उतना साधन फ्यूल लेकर के गए। अब यदि उनको उनकी कैलकुलेशन में जो भी कोई गलती हो जाती है तो उसकी सजा तो उनको भुगतनी पड़ती है ना। तो जो नहीं आ सके स्पेस में जाने के बाद वो भी कितने हैं, और जो आ गए उनके भी नाम है कि ये पहले हैं जो वापस स्पेस से सुरक्षित आए हैं।
खैर हमारा विषय आत्मा से है, हमारा शरीर से नहीं। हमारा कहने का मतलब कि हम आत्मा परम अवस्था में जाती हैं और यहाँ आकर जो लाइट हमारे पास होती है वो लाइट परमात्मा से मिलती है और लाइट के कारण हम अपने जीवन को सतयुग में सक्षम रख पाते हैं। और जैसे जैसे हमारे जीवन से लाइट गायब होती जाती है हम अंधेरे में भटकना शुरू कर देते हैं। इसलिए आइंस्टाइन ने कहा कि अध्यात्म जो है या धर्म जो है वो अंधा है और विज्ञान जो है वो लंगड़ा है, और यदि अंधा लंगड़े को उठा ले तो फिर कामयाब हो सकते हैं। तो उसमें दिखाया कि अंधे व्यक्ति ने लंगड़े व्यक्ति को अपने ऊपर उठाया हुआ है और वो उसको दिशा दिखाता जा रहा है कि हम कहां चलना है कहां नहीं चलना। ये आइंस्टाइन का विचार था। परंतु परमात्मा ने कहा लाइट तो उनके पास भी नहीं है, साइंस के पास लाइट ऊर्जा नहीं है, वो सोच सकते हैं परंतु ऊर्जा ना होने के कारण उनका कोई भी काम नहीं हो सकता। और तुम तो स्वयं ऊर्जा हो, तुम तो स्वयं एनर्जी हो, सेल्फ एनर्जी हो। तुम आत्मा को अपने अंदर जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? साइलेंस। और बाबा ने कहते कि साइंस साइलेंस के अधीन है। जितनी भी साइंस की इन्वेंशंस होती हैं वो साइलेंस में होती हैं। जब तक वो साइलेंस में जा करके विचार नहीं करेगा, संकल्प नहीं करेगा, तो विज्ञान की कोई भी चीज बन नहीं सकती। तो विज्ञान अपने आप में अधूरा है बिना लाइट के। और लाइट जो है ना मैं देता हूं आकर, जिस लाइट के आधार पर तुम अपने लिए स्वर्ग स्थापित करते हो। अब आइंस्टाइन तो देह के हिसाब से सोच सकता था, परमात्मा आकर के हमें राइट बता सकता था। तो परमात्मा के लिए सभी धर्मों ने इसलिए समझा कि हां सच मिलेगा तो परमात्मा से ही मिलेगा और कहीं से सच नहीं मिल सकता। ये सच ही सत्य ज्ञान ही वो लाइट है, वो प्रकाश है जिसके द्वारा हम स्वर्ग के अधिकारी बनते हैं और इसके अभाव में हम नर्क के अधिकारी बनते हैं। वो लाइट परमात्मा से ही प्राप्त होती है। वो ज्ञान, वो समझ, वो प्रकाश सिवाय परमात्मा के और कहीं से मिल नहीं सकता। तुम जानते हो हम आत्मा अपने शांति धाम ब्रह्मांड में जाते हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है। उन्हों की भी आत्मा शरीर के साथ ऊपर में जाती है, उन्हों की भी आत्मा जाती है शरीर के साथ ऊपर में जाती है। बड़ा खौफनाक है, डरते भी हैं, ऊपर से गिरे तो जान खत्म हो जाएगी। वे सब हैं जिस्मानी हुनर, वो हैं शारीरिक कलाएं तरीके। तुमको बाप रूहानी हुनर कला सिखाते हैं। इस हुनर सीखने से तुमको कितनी बड़ी प्राइज मिलती है? कोई प्राइज मिलती है हमें? बाबा कहते कितनी बड़ी प्राइज मिलती है। हम ये हुनर सीख जाएंगे शरीर से निकलने का तो कोई इनाम देगा बाबा हमें? इक्कीस जन्मों की प्राइज मिलती है। हाँ जी, स्वर्ग की बादशाही मिलती है। हाँ, 21 जन्मों का प्राइज मिलता है हमें जितना कोई मेहनत करेगा, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। आजकल गवर्नमेंट लॉटरी भी निकालती है ना, ये बाप तुमको प्राइज देते हैं और क्या सिखलाते हैं? तुमको बिल्कुल ऊपर ले जाते हैं। कहां ले जाते हैं? जहां तुम्हारा घर है। और अब आज नहीं कह रहे हैं कि जहां कुछ नहीं है, ठीक है कि नहीं? क्योंकि उनके दिमाग में है कि बाबा के सामने भगत बच्चे बैठे हैं, उनको बताना वो है जो वो समझ सके कि अपने घर जाना है। वो हम आत्माओं का घर है, ये दुनिया मुसाफिर खाना है, हमको वापस घर जाना है। अभी तुमको याद आता है ना कि हमारा घर कहाँ है और राजधानी स्वर्ग जो गंवाया है वो कहाँ है? रावण ने छीन लिया। अब फिर से हम अपना असली घर, फिर से हम अपना असली घर भी जाते हैं और राजाई भी पाते हैं, मुक्ति धाम भी जाते हैं और जीवन मुक्ति में भी जाते हैं। मुक्ति धाम है हमारा घर, ये कोई को पता ही नहीं है। अब बच्चों को सिखलाने के लिए देखो बाप कहां से आते हैं। अब बाबा कहते देखो मुक्ति धाम है घर हमारा। मुक्ति धाम का मतलब क्या है?
जहां आत्माओं को हर प्रकार से मुक्त है, कोई भी काम नहीं करना, कोई भी एक्ट नहीं करना, एक्ट तो क्या, कोई संकल्प भी नहीं करना। जो आत्मा का एक्ट है वो आत्मा का अपना सेल्फ एक्ट संकल्प है, और वो संकल्प भी नहीं करना, वो है हमारा शांति धाम, वो है हमारा मुक्ति धाम, जहां कोई भी संकल्प नहीं। कर्म बोल तो बात ही की बात अलग है, इसलिए उसको निर्वाण धाम कहा, क्योंकि वहां वाणी भी नहीं है। जितना दुनिया समझ सकती थी, हमारे जो धर्म पिताएं हैं, विचार विद, उन्होंने इसको निर्वाण धाम क्यों नाम दिया, क्योंकि उनको ये लगा कि वहां वाणी भी नहीं है। पर तो जितना वो समझ सकते थे उन्होंने अपने अनुभव से, अपनी बुद्धि से बताने का प्रयास किया। निर्वाण धाम कहो, मुक्ति धाम कहो, शांति धाम कहो, परम धाम कहो, और चाहे बाबा की अवस्था में परम अवस्था कहो, जो बाबा ने हमें समझाया है परम अवस्था ही परम धाम है। तो वे कोशिश करते हैं ऊपर जाकर देखें चंद्रमा में क्या है, स्टार में क्या है। तुम बच्चे जानते हो ये तो इस मांडवे की बतियां हैं। इतनी बात एकदम चेंज कर दी, सूरज और चांद कुछ नहीं, सिर्फ इस नाटक की क्या है, बतियां हैं। वहां ना तो कोई ऑफिस है, वहां ना तो कोई जीवन है, वहां से ना तो यहां पर कोई कंट्रोल होता है, वो तो केवल रात और दिन यहां की इस नाटक में, जो हम नाटक करने के लिए आए हैं, उसकी दो बतियां हैं। जो सतयुग में दिन में सूरज निकलता है, रात में चंद्र निकलता है, जब पतित हो जाते हैं तो अपने अपने टाइम पर बिगाड़ जो आता है, मौसम में परिवर्तन जो आता है, सदा बाहर मौसम की जगह पर ये बिगड़ा हुआ मौसम बन जाता है त्रेता के बाद द्वापर से, तो वो भी प्रकृति में, पृथ्वी में वो परिवर्तन आता है, वो 23.5 डिग्री पर झुक जाती है। वो भी क्यों आता है, क्योंकि वो सॉलिड टूटती है, जिसके कारण वो धरती का बैलेंस बिगड़ जाता है। जैसे मांडवे में बिजलियां लगाते हैं, म्यूजियम में भी तुम बत्तियों की लड़ियां लगाते हो ना, ये फिर बाबा बेहद की दुनिया है, इसमें ये सूरज और चांद सितारे रोशनी देने वाले हैं। मनुष्य फिर समझते हैं सूर्य चंद्रमा ये देवताएं हैं, दुनिया वाले इनको सूरज और चंद्रमा को क्या समझ बैठे हैं, देवता। जितने भी हमारे उपवास हैं, जितने भी आध्यात्मिक पाखंड हैं, उन सब में इनको देवता समझने के कारण इन दोनों में से किसी एक को अर्क दिया जाता है, ताकि वो वहां जाके लिखवा देवे कि इसने मेरे सामने इस व्रत का संपूर्णता को पूरा किया और मेरे को स्वीकृति, मेरे सामने इसने अपना व्रत तोड़ करके खाना शुरू किया, मेरे को लिखवाया, इसने गवाही दी, वो जाके बताता है। अब जो गवाही ना दे बेचारे सूरज और चंद्रमा को क्या पता लगेगा किसने व्रत रखा है या नहीं रखा है। अब जरा सोच करके देखे कि गवाही देने से क्या होगा, चंद्रमा क्या उसको देख रहा है, चंद्रमा की कोई आंखें हैं। अब हमें ये बात समझ में आ गई है, अभी तुम समझते हो बाप कैसे आकर हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। ये ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान लक्की सितारे हैं। ज्ञान से ही तुम बच्चों की सदगति हो रही है। तुम कितना दूर जाते हो, बाप ने ही घर जाने का रास्ता बताया है, सिवाय बाप के कोई भी वापस अपने घर जा नहीं सकते, सिवाय बाप के कोई भी वापस अपने घर जा नहीं सकते। बाप जब आकर शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, समझाते हैं, तब तुम जानते हो, ये भी समझते हो कि हम आत्मा पवित्र बनेंगे तभी अपने घर जा सकेंगे।
देखो कहां से कहां बात जाती है, पवित्र बनेंगे तो घर जा सकेंगे। अब ये बात ही वहां आई चुनरिया में, दागा लाग पिया के पास जाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, मतलब बिना पवित्र बने घर नहीं जा सकते, परंतु ये नहीं मालूम था कि घर जाने की पवित्रता क्या है। और वो पवित्र बनने की विधि कौन बताएगा, घर कैसे जाएंगे, योग बल से या सजाओं के बल से। पावन बनना है, बाप तो समझाते रहते हैं, जितना बाप को याद करेंगे उतना तुम पावन बनेंगे, याद नहीं करेंगे तो पतित रह जाएंगे, फिर बहुत सजा खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप खुद बैठ तुमको समझाते हैं तुम ऐसे ऐसे घर जा सकते हो, ब्रह्मांड क्या है, सूक्ष्म वतन क्या है, कुछ भी पता नहीं तो बाबा आप समझा रहे हैं ना। स्टूडेंट पहले थोड़े कुछ जानते हैं, जब पढ़ना शुरू करते हैं तो फिर नॉलेज मिलती है, नॉलेज भी कोई छोटी कोई बड़ी होती है। अब कोई आईसीएस का ध्यान दिया है तो फिर कहेंगे नॉलेजफुल, इससे ऊंच कुछ नॉलेजफुल कोई बड़ा टेस्ट है ही नहीं आज तक। आईसीएस आईपीएस ये जो एग्जाम है जो सबसे बड़े एग्जाम है, इसके बाद दुनिया में कोई बड़ा एग्जाम नहीं है। अब तुम भी कितनी ऊंच नॉलेज सीखते हो, बाप तुमको पवित्र बनाने की युक्ति बताते हैं कि बच्चे माम एकम याद करो तो तुम पतित से पावन बनेंगे। असल में तुम आत्माएं पावन थी, ऊपर अपने घर में रहने वाली थी। जब तुम सतयुग में जीवन मुक्ति में हो तो बाकी सब मुक्ति धाम में रहते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों को हम शिवालय कह सकते हैं, मुक्ति को भी और जीवन मुक्ति को भी, दोनों को शिवालय कह सकते हैं। मुक्ति में शिव बाबा भी रहते हैं, मुक्ति धाम में शिव बाबा भी रहते हैं, हम बच्चे आत्माएं भी रहती हैं। ये है रूहानी हाईएस्ट नॉलेज। वो कहते हैं हम चांद के ऊपर जाकर रहेंगे, कितना माथा मारते हैं, बहादुरी दिखाते हैं, इतने मल्टी मिलियन माइल ऊपर जाते हैं, लेकिन उनकी आस पूरा नहीं होती है और तुम्हारी आस पूरी हो जाती है। उनका है झूठा जिस्मानी घमंड और तुम्हारा है रूहानी घमंड। वे माया की बहादुरी कितनी दिखाते हैं, मनुष्य कितनी तालियां बजाते हैं, बधाइयां देते हैं, मिलता भी बहुत है, पैसे बहुत मिलते हैं, करके 5-10 करोड़ मिलेंगे। और तुम बच्चों को ये ज्ञान है कि उनको ये जो पैसे मिलते हैं वो सारे पैसे क्या हो जाने हैं, खत्म हो जाएंगे, बाकी थोड़े दिन ही समझो। आज क्या है कल क्या होगा, आज तुम नर्कवासी हो और कल स्वर्गवासी बन जाएंगे। टाइम कोई जास्ती नहीं लगता, तो उन्हों की है जिस्मानी ताकत और तुम्हारी है रूहानी ताकत, जो सिर्फ तुम ही जानते हो। वे जिस्मानी ताकत से कहां तक जाएंगे, चांद सितारों तक चले जाएंगे, पहुंचेंगे चांद सितारों तक और लड़ाई शुरू हो जाएगी।
फिर वे सब खत्म हो जाएंगे। उनका हुनर यहां तक ही खत्म हो जाएगा। वे है जिस्मानी हाईएस्ट हुनर, तुम्हारा है रूहानी हाईएस्ट हुनर। तुम शांति धाम में जाते हो, उसका नाम ही है स्वीट होम। वो लोग कितने ऊपर जाते हैं और तुम अपना हिसाब करो, तुम कितने माइल्स ऊपर में जाते हो। तुम कौन हो? आत्माएं बाप कहते मैं कितनी माइल ऊपर में रहता हूं, गिनती कर सकेंगे? उनके पास तो गिनती है, बतलाते हैं इतने मील के ऊपर में गए और फिर लौटकर आ गए। बड़ी खबरदारी रखते हैं, ऐसे उतरेंगे ये करेंगे, बहुत आवाज होता है। तुम्हारा क्या आवाज होगा? तुम कहां जाते हो फिर कैसे आते हो कोई पता नहीं। तुमको क्या प्राइज मिलती है ये भी तुम ही जानो। वंडरफुल है बाबा की कमाल, किसको पता ही नहीं। तुम तो कहेंगे ये नई बात थोड़ी है। हर 5000 वर्ष बाद वे अपनी ये प्रैक्टिस करते रहेंगे। तुम सृष्टि रूपी ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन को अच्छी तरह अच्छी रीति जानते हो, तो तुमको अंदर फखुर होना चाहिए, अंदर फखुर होना चाहिए। बाबा हमको क्या सिखलाते हैं? बहुत ऊंच पुरुषार्थ करते हैं, बहुत ऊंच पुरुषार्थ करते हैं फिर भी करेंगे। ये सब बातें और कोई नहीं जानते, ये सब बातें और कोई भी नहीं जानते। बाप है गुप्त, बाप है गुप्त। तुमको कितना रोज समझाते हैं, तुमको कितनी नॉलेज देते हैं, उन लोगों का जाना है हद तक, उन लोगों का जाना है हद तक। तुम बेहद में जाते हो, तुम बेहद में जाते हो। वे चंद्रमा तक जाते हैं, अब वो तो बड़ी बत्तियां हैं, अब वे तो क्या हैं? बड़ी बत्तियां हैं, और तो कुछ है नहीं। उनको धरनी बहुत छोटी देखने में आती है, उनको धरनी बहुत छोटी देखने में आती है। तो उन्हों की जिस्मानी नॉलेज और तुम्हारी नॉलेज में कितना फर्क है? तुम्हारी आत्मा कितनी छोटी है, परंतु रॉकेट बड़ा तीखा है, परंतु रॉकेट बड़ा तीखा है। आत्माएं ऊपर में रहती हैं, फिर आती हैं पार्ट बजाने। वे भी सुप्रीम आत्मा, परंतु उनकी पूजा कैसी हो? भक्ति भी जरूर होनी है, भक्ति भी जरूर होनी ही है। बाबा ने समझाया है, आधा कल्प है ज्ञान दिन, आधा कल्प है भक्ति रात। अभी संगम युग पर तुम ज्ञान लेते हो, तुम ज्ञान लेते हो। सत्युग में तो ज्ञान होता नहीं, इसलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। सबको पुरुषोत्तम बनाते हैं। तुम्हारी आत्मा कितना दूर दूर जाती है? तुमको खुशी है ना? वे हुनर दिखाते हैं तो बहुत पैसे मिलते हैं, तो बहुत पैसे मिलते हैं।
भल कितना भी मिले, परंतु तुम समझते हो, परंतु तुम समझते हो वे कुछ भी साथ चलना नहीं है। अभी मरे की मरे, सब खत्म हो जाने वाला है। अभी तुमको कितनी वैल्यूएबल रत्न मिलते हैं, इनकी वैल्यू कोई गिनी नहीं जाती। ज्ञान के रत्नों की लाखों लाख रुपया एक एक वर्षंस का है। कितने समय से तुम सुनते ही आते हो, गीता में कितनी वैल्यूएबल नॉलेज है। ये एक ही गीता है जिसको मोस्ट वैल्यूएबल कहते हैं, सर्वशास्त्रमय शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है। वो लोग भल पढ़ते रहते हैं परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। गीता पढ़ने से क्या होगा? अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। भल वो गीता पढ़ते हैं परंतु एक का भी बाप से योग नहीं। बाप को ही सर्वव्यापी कह देते हैं, पावन भी बन नहीं सकते। अब ये लक्ष्मी नारायण के चित्र तुम्हारे सामने हैं, इनको देवता कहा जाता है क्योंकि दैवी गुण है, क्योंकि दैवी गुण है। तुम आत्माओं को पवित्र बन सबको अपने घर जाना है। नई दुनिया में तो इतने मनुष्य होते नहीं, बाकी सब आत्माओं को जाना पड़ेगा अपने घर। बाकी सबको कहां जाना पड़ेगा? अपने घर। तुमको बाप भी वंडरफुल नॉलेज देते हैं जिससे तुम मनुष्य से देवता बहुत ऊंच बनते हो। तो ऐसी पढ़ाई पर अटेंशन भी इतना चाहिए। ये भी समझते हैं जैसा जिसने कल्प पहले अटेंशन दिया है ऐसा देते रहेंगे। मालूम पड़ता रहता है, बाप सर्विस का समाचार सुनकर खुश भी होते हैं। बाप को कभी चिट्ठी ही नहीं लिखते हैं तो समझते हैं इन उनका बुद्धि योग कहां ठिककर भीतर तरफ लग गया है। बुद्धियों कहां लग गया है? ठिक कर भीतर की तरफ लग गया है। देह अभिमान आया हुआ है, बाप को भूल गए हैं। नहीं तो विचार करो, लव मैरिज होती है तो उनका कितना आपस में प्यार होता है। हाँ, कोई कोई के ख्याल बदल जाते हैं तो फिर स्त्री को भी मार डालते हैं। ये तुम्हारी है उनके साथ लव मैरिज। बाप आकर तुमको अपना परिचय देते हैं, तुम आपे ही परिचय नहीं पाते हो, बाप को आना पड़ता है। बाप आएगा तब जबकि सारी दुनिया पुरानी होगी। पुरानी को नई बनाने जरूर संगम पर ही आएंगे। बाप की ड्यूटी है नई दुनिया स्थापन करने की। तुमको स्वर्ग का मालिक बना देते हैं तो ऐसे बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। फिर क्यों कहते हैं कि बाबा हम भूल जाते हैं? कितना ऊंचते ऊंच बाप, इनसे ऊंचा कोई होता ही नहीं। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, उपाय करते रहते हैं, कितनी झूठ ठगी चल रही है। मैं ऋषि आदि कितना नाम है, गवर्नमेंट 10-20 एकड़ जमीन दे देते हैं। ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट कोई इरिलीजियस है, उनमें कोई मिनिस्टर रिलीजियस है, कोई अनरिलीजियस भी है, कोई धर्म को मानते हैं कोई नहीं मानते हैं। कहा जाता है रिलीजन इज माइट, धर्म एक शक्ति है, अध्यात्म एक शक्ति है। क्रिश्चियन में माइट थी ना, सारे भारत को हप करके गए। अभी भारत में कोई माइट नहीं, कितना झगड़ा मारा मारी लगी पड़ी है। वही भारत क्या था? बाप कैसे कहां आते हैं किसको कुछ भी पता। तुम
जानते हो मगध देश में आते हैं जहां मगर मच्छ होते हैं। मनुष्य ऐसे हैं जो सब कुछ खा जाए। सबसे जास्ती वैष्णव भारत था और ये वैष्णव राज्य है ना, कहां ये महान पवित्र देवताएं, कहां आजकल के देखो क्या क्या खा जाते हैं, हप कर जाते हैं, करते जाते हैं, आदमखोर भी बन जाते हैं, आदमी को खाने वाले भी। भारत की क्या हालत हो गई है, अभी तुमको सारा राज समझा रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ज्ञान देते हैं। पहले पहले तुम ही इस पृथ्वी पर आते हो, फिर मनुष्य वृद्धि को पाते हैं, अभी थोड़ा समय में हाहाकार हो जाएगा, फिर हाय हाय करते रहेंगे। स्वर्ग में देखो कितना सुख है और यहां देखो कितना दुख। ये एम ऑब्जेक्ट की निशानी देखो, ये सब तुम बच्चों को धारण भी करनी है। कितने बड़े बड़े पढ़ाई है, बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं। माला का राज भी समझाया है, ऊपर में फूल है शिव बाबा, फिर मेरु डबल दाना, फिर 108 दाने, प्रवृत्ति मार्ग है ना। निवृत्ति मार्ग वालों को तो माला फेरने का हुक्म ही नहीं है, जो जंगल में चले जाते हैं उनको माला फेरने का हुक्म नहीं है। ये है ही देवताओं की माला, उन्होंने कैसे राज्य लिया। तुम्हारे में भी नंबर वार है, कोई कोई है जो बेधड़क हो, किसके भी आगे किसको भी समझाते हैं। आओ तो हम आपको ऐसी बातें बताएं जो और कोई बता ही नहीं सकते, सिवाय शिव बाबा के और कोई जानते ही नहीं। उन्होंने ये राजयोग किसने सिखाया, बहुत रसीला बैठ समझाना चाहिए। ये 84 जन्म कैसे लेते, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, बाप कितनी सहज नॉलेज बताते हैं। और पवित्र भी बनना है तब ही ऊंच पद पाएंगे, सारे विश्व पर शांति स्थापन करने वाले तुम। बाप तुमको राज्य भाग्य देते हैं, दाता है ना, वे कुछ लेता नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई के की ये प्राइस है, ऐसी प्राइस तो और कोई दे ना सके। तो ऐसे बाप को प्यार से क्यों नहीं याद करते हो, लौकिक बाप को तो सारा जन्म याद करते हो, और पारलौकिक को क्यों नहीं याद करते हैं। बाप ने बताया है ये युद्ध का मैदान है, टाइम लगता है पावन बनने में, इतना ही समय लगता है जब तक लड़ाई पूरी हो। ऐसे नहीं जो शुरू में आए हैं वो पूरे पावन होंगे। बाबा कहते हैं माया की लड़ाई बड़ी जोर से चलती है, माया की लड़ाई बड़ी जोर से चलती है, अच्छे अच्छे को भी माया जीत लेती है। इतनी तो बलवान है, जो गिरते हैं वे फिर मुरली भी कहां से सुने, सेंटर में तो आते ही नहीं, तो उनको कैसे पता पड़े, उनको कैसे पता पड़े। माया एकदम वर्थ नॉट ए पैनी बना देती है, खोटा सिक्का। मैं मुरली जब पढ़े तब सुजागो, मुरली पढ़े तो रोशनी आए, जाग जाए। गंदे काम में लग जाते हैं, कोई सेंसिबल बच्चा हो जो उनको समझावे तुमने माया से कैसे हार खाई, बाबा तुमको क्या सुनाते हैं, तुम फिर कहां जा रहे हो। देखते हैं इनको माया खा रही है, तो बचाने की कोशिश करनी चाहिए ना। कहां माया सारा हप ना कर लेवे, फिर से सुजाग हो जाएं, नहीं तो फिर
सारा हापना कर लेवे। फिर से सुजाग हो जाए, नहीं तो उच्च पद नहीं पा सकेंगे। सतगुरु की निंदा कराते हैं, अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर एक, बाप से साइलेंस का हुनर सीख इस हद की दुनिया से पार बेहद में जाना है। हद की दुनिया से कहां जाना है? आ गया ना बाबा, इशारा दे के जाता है, छोड़ता नहीं है। हद की दुनिया से कहां जाना है? बेहद, जहां कुछ नहीं है। नहीं बता बता देता है थोड़ा थोड़ा, ताकि हर एक आत्मा अपने लेवल का ले लेवे। जो नए नए बच्चे हैं अपनी नई नई बात को समझे, जो पुराने बच्चे हैं वो अपनी पुरानी बात को भी अपनी गहराई को भी समझ सके। नशा रहे, बाप हमें कितना वंडरफुल ज्ञान देकर कितनी बड़ी प्राइज देते हैं। बेधड़क होकर बहुत रसीले ढंग से सेवा करनी, बेधड़क होकर के बड़े रसीले ढंग से सेवा करनी है। माया की लड़ाई में बलवान बन जीत पानी है। मुरली सुनकर सुजाग रहना है और सबको सुजाग करना है। खुद भी जागृत होना है और बाकी सबको भी जागृत करना है। वरदान, परम पूज्य बन परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त करने वाले संपूर्ण स्वच्छ आत्मा भाव, संपूर्ण और स्वच्छ आत्मा बनना है। और कैसे बनेंगे? परम पूज्य बन परमात्म प्यार का अधिकारी प्राप्त करने वाले। एक तो आपने बनना है परम पूज्य, पवित्र बनेंगे तो परम पूज्य बनेंगे। परमात्म प्यार का अधिकार, परमात्मा के प्यार को लेने के अधिकारी बनना। सदा ये स्मृति जीवन में लाओ कि मैं पूजनीय आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूं। ऐसी पूज्य आत्मा ही सर्व की प्यारी है, उनकी जल मूर्ति भी सबको प्यारी लगती है। कोई आपस में भर लड़ते झगड़ते रहे, आपस में भल झगड़ते हो, लेकिन मूर्ति को प्यार करेंगे क्योंकि उनमें पवित्रता है। तो अपने आप से पूछो कि मैं मूर्ति हूं, मैं पवित्र मूर्ति हूं, क्योंकि उनमें पवित्रता है। तो अपने आप से पूछो, मन बुद्धि संपूर्ण स्वच्छ बन गए हैं? मन और बुद्धि क्या बन गए हैं? संपूर्ण स्वच्छ। मन बुद्धि का स्वच्छ बनना माना कोई विकार मैल आप में तो नहीं है, जरा भी अस्वच्छता क्या करेगी? जरा भी अस्वच्छता मिक्स तो नहीं है? जो ऐसे संपूर्ण स्वच्छ हैं, वही परमात्म प्यार के अधिकारी हैं। स्लोगन है, ज्ञान के खजाने को स्वयं में धारण कर हर समय हर समय हर घड़ी हर समय हर घड़ी क्या करना है? समझ कर करके करने वाले ही ज्ञानी तू आत्मा है। हर घड़ी समझ करके जो कुछ भी है वो अच्छी तरह समझना है। हर कर्म पहले समझो कि इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है और फिर उसको करो। ज्ञानी तू आत्मा है। अच्छा,
ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।